थोड़े समय के पार्टी को एडा वा प्रोग्राम नहीं होया जिडा असं ओंकार नगर और कल का प्रोग्राम भी एक असं बहुत वड्डा करन जा रहे हैं जिहदे नाल साडे इस एरिए बहुत ही ज़्यादा हवा बदल जाए। दो दो तीन तीन कुर्सियां गलियां दे विच ला के रैलियां करन वाले लोग कल देखणगे कि ये जिहड़ा प्रोग्राम आ बहुत मील पत्थर साबित होगा और मैं तुहाडे नाल वादा करदा कि 5-6 साल दोबारा कोई मीटिंग भी नहीं करवाउणगे कि सास भी कभी बहू थी उहदे विच तुलसी दे नाते उन्होंने काम किया होया और बहुत लोगों की मंग भी सी कि साडे उह साडे मंत्री ने कि उन्होंने एक बार हदियाबाद जरूर बुलाया जाए। कल 2:30 बजे स्मृति ईरानी जी का हदियाबाद के आना होगा और सारा ही हदियाबाद मेरिया भैन मातावान ज़्यादा उत्साह आ हदियाबाद तो बीजेपी को प्यार करने वाले लोग ने जिन्हें भी देश भगत ने जिन्हें भी राष्ट्र को प्यार करने वाले लोग ने जिन्हें भी मोदी जी को प्यार करने वाले लोग ने सारे ही अज उत्साह के नाल तैयारियां कर रहे हैं। नरोल ते नरोल साफ फगवाड़े के लोग सी फगवाड़े के वोटर सी और हुण उन्होंने कोल कहण नूं कुछ नहीं हैगा। कोई कुंभ का मेला हो कुंभ का मेला साढ़े हिंदुस्तान सब तो बड़ा मनिया जाता है इस करके कल की रैली बहुत उत्साह से और दुआबे कल उन्होंने जो एक सेध दी है जो एक दशा और दिशा बदलने की कल कोशिश की है भाजपा ने वह असर तुम्हें दिखाई दे। नमस्कार सांझ टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सुनैना विधानसभा दी चोणां नूं गिणवे चुणवे दिन रह गए हैं ते वख-वख पार्टियां दे उम्मीदवार जोरां शोरां दे नाल चोण प्रचार कर रहे हैं। हालांकि उन्हां दे हक दे विच दिग्ज नेता भी आ रहे हैं चोण प्रचार करन ते कल जिहड़े कि भाजपा दे हक दे विच भाजपा दे प्रचारक चेहरा जिहड़ा पहुँच रहे स्मृति ईरानी जी ते गुरदीप दीपल जी उन्हां नाल गलबात कर लैंदे कि कल दे लई की अरेंजमेंट्स जिहड़े कीते जा रहे आ। कल लई बड़ा उत्साह आ जी ये जिहड़ा प्रोग्राम एक बहुत वड्डा प्रोग्राम हदियाबाद नूं मिलिया है उहदे विच सारे ही साडे साथी सारे वर्कर जिन्हें भी हदियाबाद तो बीजेपी नूं प्यार करन वाले लोग ने जिन्हें भी देश भगत ने जिन्हें भी राष्ट्र नूं प्यार करन वाले लोग ने जिन्हें भी मोदी जी नूं प्यार करन वाले लोग ने उह सारे ही अज उत्साह दे नाल तैयारियां कर रहे ने। कल 2:30 बजे स्मृति ईरानी जी का हदियाबाद दे विच आना होगा और सारा ही हदियाबाद दे विच मेरिया भैन मातावान दे विच ज़्यादा उत्साह आ क्यों क्योंकि वह स्टार प्रचारक भी रहे ने एक साडे ओ सीरियल आउंदा हुंदा सीगा कि सास भी कभी बहू थी उहदे विच तुलसी दे नां ते उन्होंने काम किया होया और बहुत लोगों की मंग भी सी कि साडे ओ साडे मंत्री ने कि उन्होंने एक बार हदियाबाद जरूर बुलाया जाए बहुत उत्साह आ जी। लगता है कि स्मृति ईरानी के आने के नाल भाजपा की होर मजबूती होगी। बिल्कुल बिल्कुल मजबूती तो बहुत ज़्यादा आ एक लहर जे मैं तुहानू कहां कि एक हनेरी चल रही है वो तुसीं पिछले दिनों दे विच साडे ओंकार नगर दे विच प्रोग्राम एक उत्साह लोगों एक तरह के नाल बीजेपी के श्री सांपला जी को बना के ते पंजाब दे विच भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने लोगों के बहुत ज़्यादा उत्साह है जी। तुसी ओंकार नगर का जिक्र कर रहे हो कि मनोज तिवाड़ी पहुंचे सी विरोधियों ने भी उस चीज़ को लैके भी काफ़ी तंज कसे सी कि भाजपा वाले ने तो जिहड़े बाहरों पहाड़े के बंदे लियांदे आ हुशियारपुर तो गड्डियां भर भर के आईयां सी। एक भी गड्डी का कोई नंबर दे दिओ एक भी किसी बंदे का नंबर दे दो जिहड़े हुशियारपुर वाले दो तीन बंदे उन्हां दीआं उपरों ड्यूटियां लगियां होईयां दो तीन लोग खड़े होंगे उस तो अलावा कोई बंदा एक गड्डी का नंबर भी दे दे हुशियारपुर तो कोई बंदा आया सी। नरोल ते नरोल साफ फगवाड़े दे लोग सी फगवाड़े दे वोटर सी और हुण उन्होंने कोल कहण नूं कुछ नहीं हैगा इस करके वह इदां दीआं गल्लां करदे आ क्यों क्योंकि पिछले थोड़े समय के किसी भी पार्टी को एडा वड्डा प्रोग्राम नहीं होया जिड्डा असीं ओंकार नगर दे विच कीता और कल का प्रोग्राम भी एक असीं बहुत वड्डा करन जा रहे हैं जिहदे नाल साडे इस एरिए दे विच बहुत ही ज़्यादा हवा बदल जाऊगी जी। स्टार प्रचारक चेहरे आ रहे हैं कल केजरीवाल होर भी आए थे आम आदमी पार्टी के हक के चोण प्रचार चंगी हल्लाशेरी दे के गए लगता है कि कितना कितने भाजपा थोड़ी डाउन होगी नहीं सानू कोई फर्क नहीं है झाड़ू के नाल फुल कोई फर्क नहीं फुल सदाबहार खिलिया होया खुशबू दिंदा होया क्यों क्योंकि साडा नेता कला देश का नहीं वो तो दुनिया का नेता बन चुका है नरेंद्र भाई मोदी और दुनिया के अगर अज किसी भी सर्वे दे विच कोई नेता कढ़ना होवे तो नरेंद्र भाई मोदी का नाम पहले नंबर पर आता और पहले नंबर पर ना एवें नहीं आ जाता बड़ी मेहनत करन तो बाद ये जड़ियाँ पदवियां हासिल होंदियां और दुनिया के दुनिया ने मनिया कि जिहड़ा दुनिया ने लोहा मनिया है मोदी का वो तुहाडे सामने आ और असीं थोड़ा कहने आ सारी दुनिया कहती है। कल नरेंद्र मोदी होर भी आए थे जलंधर किन्ना क जिहड़ा कि हल्लाशेरी हुई आ किन्ना क जोश भरिया उन्होंने आने ज़्यादा उत्साह जी कल दुआबा की रैली सी उहदे विच बहुत ज़्यादा उत्साह सी और देखने वाला हजूम सी जदों असीं अंदर बड़े तो इदा लगता सगा कि मतलब
कोई कुंभ का मेला हो, कुंभ का मेला साडे हिंदुस्तान सब तो वड्डा मन्निया जांदा। इस करके कल की रैली बहुत उत्साह सी और दुआबे नूं कल उन्होंने जो एक सेध दित्ती आ, जो एक दशा और दिशा बदलण की कल कोशिश की है भाजपा ने, उहदा असर तुहानूं दिखाई देवेगा। लगता है कि कल हुण स्मृति ईरानी दे आउण दे नाल विरोधियां ते मुँह ते चुप्पी छाएगी। बिल्कुल छाएगी, बिल्कुल छाएगी। दो तीन कुर्सियां गलियां दे विच ला के रैलियां करन वाले लोग कल देखणगे कि ये जिहड़ा प्रोग्राम आ बहुत मील पत्थर साबित होगा। और मैं तुहाडे नाल वादा करदा कि 5-6 साल दुबारा कोई मीटिंग भी नहीं करवाउणगे ये लोग। हाँ, की आखिर दे विच मैसेज देना चाहोगे? मैसेज यही है, मैं सारे नूं अपील करांगा, सारे हदियाबाद दे लोकां नूं और फगवाड़ा दे लोकां नूं, कि कल साडे बहुत ही वड्डे नेता स्मृति ईरानी जी, जो मेरिया मातावां भैणां दे दिलां ते राज करदे सी किसे टाइम, वो कल तुहाडे विच आ रहे ने, एड्डी दूर तो आ रहे ने। इस करके मैं सारे नूं बेनती करांगा कि 2:30 ते तुसीं तलाब जिहड़ा चौंक दे विच, हदियाबाद चौंक दे गुरद्वारा शहीद पातशाही और पाठशाला हदियाबाद के नाल जिहड़ा तलाब आ, उहदे विच पहुँचो और उन्हां दे विचार सुनो। और उन्हां दे नाल श्री विजय सांपला जी साडे विधानसभा हल्का फगवाड़ा तो उम्मीदवार ने, वह भी आ रहे हैं। सारे नूं बेनती करांगा, हथ जोड़ के बेनती है कि सारे आउण, उन्हां दे विचार सुन और आपां एक नवा पंजाब बनाउण दे लई बीजेपी नूं लैके आईए, मोदी जी दीआं नीतियां नूं दे के भारतीय जनता पार्टी सरकार। सो सर, कल स्मृति ईरानी जी तुहाडे सामने जिहड़े विराजमान होण वाले आ, प्रचार करनगे भाजपा दे हक विच, की अपील करना चाहोगे अपने फगवाड़ा दी आवाम नूं? मेरी तो यही अपील हैगी है जी, क्योंकि जिदा आपां कहने आ सबका साथ और सबका विकास, उहनूं लैके जिहड़ी नीतियां नाल असीं चले होए आ, और साडे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सारिआं दा विकास लैके उह चल रहे ने। और मेरी सारिआं नूं यही बेनती है भी कलों बहुत ही एक महान शख्सियत स्मृति ईरानी जी, वो सा रहे अपने विचार लई, उन्हां दे विचार सुनने लई दोपहर नूं ठीक 2:30 स्वामी शंकरनाथ पर्वत मठ और गुरुद्वारा छेवीं पातशाही तलाब है उहदे विच पहुँच के तुसीं उन्हां दा जिहड़ा आ सुनेहा वगैरह तुसीं सुनो, पता लगे तुहानूं वी तुसीं आपां कित्थे खड़े हाँ और सानूं वोट किस और किस मुद्दे नूं लैके वोट करनी चाहीदी आ। और एक बेनती होर जरूर करांगा भी, जिस दिन 20 फरवरी नूं वोटां पैणियां आ, इस जिहड़ा उस दिन पर्व मनाया जांदा है लोकतंत्र दा, उहदे च वध चढ़ के जिहड़ी तुसीं वोटां पाउणियां आ, कोई भी मेरी माता, कोई भी मेरी भैन, कोई भी मेरा भरा उह पिछे ना रहि जावे, तां कि क्योंकि इह मुड़ के मुक, तो इस करके जरूर सुनो आके 20 तरीक नूं जिहड़ियां वध चढ़ के वोटां, मेरी यही गुजारिश है। बहुत शुक्रिया। सो तुसीं देखिया कि स्मृति ईरानी जी जिहड़े कि भाजपा दे हक दे विच स्टार चेहरा दे तौर ते जिहड़े कि प्रचार करन पहुँच रहे, जिसनों लैके तैयारियां जोरां शोरां दे नाल कीतियां जा रहियां, ते गुरदीप दीपा ने दावा किया कि इत्थे वड्डा इकट्ठ होएगा। बाकी देखना होगा कि कल होने वाला इकट्ठ जिहड़ा है कि साथ देगा भाजपा कि नहीं। सो इस नाल मिनी सुनैना ते कैमरामैन जस्सी सड़न दे सस, धन्नवाद। फगवाड़ा दे विच आशू दी हट्टी दा खुला चैलेंज, जिथों तुहानू मिलणगे शहर विच सब तो सस्ते रेट ते सूट, लहंगे, साड़ियां ते प्लाजो। आशू दी हट्टी दा एक ही वादा, तुहानू मिलणगे वधिया क्वालिटी दे कपड़े, पर रेट नहीं होवेगा ज्यादा। एक बार विजिट जरूर करो आशू दी हट्टी, ऑपोजिट बस स्टैंड फगवाड़ा।